हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस नेमिंग एडॉप्टेशन इन एनिमल्स. एज द नेम ऑफ चैप्टर इज एडॉप्टेशन इन एनिमल्स, दैट मीन वी आर गोइंग टू रीड द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स बाय विच दे आर एबल टू लिव इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. एज वी नो, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स लिव्स इन different kind of weather, different kind of area. So they have a feature to adapt themselves, maintain themselves according to the weather or area of the specific place. This feature of animals is called adaptation. So different types of animals possess different kinds of adaptation. So we are going to study about this adaptation in animals, as our chapter is adaptations in animals. हम जानते हैं कि अलग अलग तरह के जो जीवधारी होते हैं वो अलग अलग तरह के रीजन में, अलग अलग तरह के क्षेत्र में रहते हैं. तो ये वहाँ के क्षेत्र के अनुसार खुद को जो है क्या करते हैं, ढालते हैं. तो यही जो अपने आप कुछ वातावरण के अनुसार, उस क्षेत्र के अनुसार ढालने की प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन कहते हैं. अनसम्बल द लेटर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. यहाँ देखिए, कुछ एनिमल्स जो हैं उनके नेम्स जो है वो जम्बल कर दिए गए हैं, यानी स्क्रैम्बल कर दिए गए हैं. ये जो है अनियमित है, तो इन्हें जो है आपको अनसम्बल करना है, यानी इसे नियमित क्रम से यहाँ पर लगाना है, इन लेटर को प्लेस करना है, ताकि एक पॉजिटिव नेम क्रिएट हो जाए. जैसे यहाँ लिखा है GTRIE, GTRIE का कोई मतलब नहीं होता. अगर हम टी को जो है पहले लिख दें यहाँ पर टी, उसके बाद आई, टी, फिर आई, फिर जी, उसके बाद ई, उसके बाद आर, तो इस तरह हमारा क्या वर्ड बन जाता है, टाइगर. हमारा क्या वर्ड बन गया, टाइगर. आप देख सकते हैं यहां पर TIGER, यहाँ पर जो है हम वर्ड जो है कुछ बड़े हो गए हैं. तो इसी तरह जो है आप यहाँ पर इसे फिल करेंगे, जो वर्ड्स हैं उसे सही सीक्वेंस में लगा के यहाँ पर प्लेस करेंगे, इन ब्लैंक्स में फिल करेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ दिया MELCA, तो इसे आप कैमल लिख सकते हैं, CAMEL. ठीक है, उसी तरह यह एलिफेंट लिखा हुआ है, तो इस तरह आप इसे अनसम्बल करके यहाँ पर फिल करेंगे. हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. Just like plants, animals also live in variety of habitats. यानी ठीक पेड़ पौधों की तरह जो है जानवर भी अलग अलग तरह के निवास में, अलग अलग तरह के habitats में रहते हैं. They live in the deepest oceans and on the highest mountain. यानी ये अत्यधिक गहरे महासागरों और अत्यधिक ऊंचे पर्वतों पर रहते हैं. They are found in the hottest deserts as well as in very cold places. Animals जो होते हैं ये अत्यधिक गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये cold places यानी ठंडे स्थानों पर भी पाए जाते हैं. All places on the earth do not have the same kind of conditions, and all conditions do not favor the survival of animals. यानी हमारी धरती पर सभी जगहों पर वहाँ की जो कंडीशन होती है, वहाँ की जो अवस्था होती है वो सेम नहीं होती. यानी वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो एरिया होता है, ये सब जो है सेम नहीं होता. एंड ऑल कंडीशंस डू नॉट फेवर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स. और किसी स्थान पर पाए जाने वाली हर एक कंडीशन एनिमल्स के सर्वाइवल को फेवर नहीं करते. यानी जानवरों को जीवित रहने में
हेल्प नहीं करती हैं। कहने का मतलब हर एक जगह पर जो है वहाँ की अपनी विशेषता पाई जाती है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती है जो एनिमल्स को जीवित रहने में, उनके सर्वाइवल में बाधा पहुँचाती हैं। Thus, animals have developed different features which enable them to cope with difficult situation of living. तो इस प्रकार ये जो एनिमल्स होते हैं, ये इनके अंदर डिफरेंट फीचर्स यानी कई तरह की अलग अलग विशेषताएं विकसित होती हैं, जो कि इन्हें डिफिकल्ट सिचुएशन से कॉप करने में इनेबल बनाती हैं। कहने का मतलब अगर कंडीशन जो है डिफिकल्ट है, तो उस कंडीशन से कैसे संघर्ष करना है, वहां पर कैसे जीवित रहना है, खुद को उस वातावरण के अनुसार कैसे ढालना है, इसके लिए जो जानवरों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जहां पर अधिक ठंडी रहती है, वहां के जानवरों के शरीर पर जो है बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं जो ठंड से उनकी सुरक्षा करते हैं। तो इस तरह अलग अलग जगह पर रहने वाले जानवरों में अलग अलग एडाप्टेंस डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जो कि इन अनफेवरेबल कंडीशन में उनकी जीवित रहने में, उनके सर्वाइवल में उनकी हेल्प करती हैं। दिस इज कॉल्ड एडाप्टेशन। तो उनकी यही जो विशेषता होती है जो उन्हें जीने में उनकी मदद करती है, उनके सर्वाइवल में उनकी हेल्प करती है, इसी को हम एडाप्टेशन कहते हैं। Let's learn how animals adapt themselves in different ways to survive. तो आइए जानते हैं कि animals जो है कैसे अलग अलग प्रकार से अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए खुद को adopt करते हैं, खुद को अनुकूलित करते हैं, यानी अलग अलग तरह में अलग अलग कंडीशन में रहने के लिए animals खुद को कैसे adopt करते हैं सर्वाइवल के लिए, आइए उसे हम पढ़ते हैं, उसे जानते हैं। Adaptations to habitat, यानी habitat के लिए adaptations, ये अपने निवास में किस तरह, अपने आवास में खुद को किस तरह ढालते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Depending upon whether an animal lives on land, in water or air, it possesses different features which enable it to survive in its own environment. मतलब अब इस चीज पर निर्भर करता है कि कोई एनिमल लैंड पर रहता है या वाटर में या एयर में, इस आधार पर यानी जमीन पर, पानी में या हवा में रहने के आधार पर जो एनिमल्स होते हैं, इनके डिफरेंट अलग अलग फीचर्स होते हैं, और ये फीचर जो है इन्हें इनके इन्वायरमेंट में, इनके वातावरण में सर्वाइव रहने में इन्हें जो है इनेबल बनाते हैं, इन्हें सक्षम बनाते हैं। कहने का मतलब अलग अलग तरह के वातावरण में या अलग अलग तरह के फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे लैंड, वाटर या एयर में रहने वाले जो जीवधारी होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इनके जो है अलग अलग फीचर्स होते हैं जो कि इन्हें इनके वातावरण में जीवित रहने के लिए इनको सक्षम बनाते हैं। बेस्ड ऑन द हैबिटेट एनिमल्स आर ग्रुप्स एज, तो इनके हैबिटेट यानी इनके आवास या निवास के स्थान पर इन्हें जो है निम्नलिखित समूहों में बांटा गया है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स स्थली जीव, ऐसे जीव जो धरती पर रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स जलीय जीव, ऐसे जीवधारी जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। एम्फीबियन मतलब ऐसे प्राणी जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, उन्हें हम एम्फीबियन कहते हैं। एर्बोरियल एनिमल मीन्स ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल जो पेड़ पर रहते हैं, पेड़ पर जो इनकी हैबिटेट होती है, ट्रीज पर, ऐसे एनिमल्स को हम एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। एरियल एनिमल्स यानी ऐसे जीवधारी जो एयर में रहते हैं, वहाँ पे ये जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं एयर में हैबिटेट होता है इनका, इन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। सो
Our first topic is terrestrial animals. Animals that live on land are called terrestrial animals. यानी ऐसे एनिमल जो लैंड पर भूमि पर रहते हैं ऐसे एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. काउ डॉग डियर एंड बफेलो आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल. जैसे काउ डॉग डियर, डियर मीन्स हिरन और बफेलो, ये जो है कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के नेम यहाँ पर दिए गए हैं. दे हैव द फॉलोइंग एडॉप्टेशंस. इनके जो है निम्नलिखित एडॉप्टेशंस होते हैं, मतलब इनमें जो है निम्नलिखित अनुकूलन विशेषताएं पाई जाती हैं. पहला है मोस्ट ऑफ देम हैव लेग्स व्हिच हेल्प देम टू रन फास्ट कैच दियर प्रे और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. यानी धरती पर रहने वाले ज्यादातर एनिमल्स में जो है लेग्स यानी पैर पाए जाते हैं जो कि उनको तेज दौड़ने में, उनके शिकार को पकड़ने में या खुद की सुरक्षा करने में उनकी हेल्प करते हैं. दे ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. यानी लैंड पर पाए जाने वाले एनिमल्स लंग्स यानी फेफड़ों की सहायता से जो है ब्रीदिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, लंग की सहायता से सांस लेते हैं. सम ऑफ देम हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज टू कैच दियर प्रे. कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैने दांत शार्प टीथ और पंजे पाए जाते हैं, किस लिए? शिकार को पकड़ने के लिए. कहने का तात्पर्य लैंड पर रहने वाले कुछ एनिमल्स के पास शार्प टीथ और क्लॉज होते हैं ताकि ये शिकार को अपने आसानी से पकड़ सके. दियर सेंसेस आर वेल डेवलप्ड. इनकी जो अनुभूतियां होती हैं, जो संवेदना होती हैं, जो सेंस होते हैं, ये पूर्ण विकसित होते हैं. दिस हेल्प्स देम टू लुक फॉर फूड एंड एस्केप फ्रॉम एनिमीज. तो यही जो इनकी वेल डेवलप्ड सेंसेस होते हैं ये इन्हें जो है अपने भोजन की तलाश करने में और अपने शत्रुओं से बचने में इनकी मदद करती हैं. तो इस वीडियो में भी आपके लिए इतना ही. हम एक बार फिर से रिवाइज कर दें, हम पढ़ रहे हैं एडॉप्टेशन इन एनिमल्स. ये हमारा फर्स्ट वीडियो है. आपको बताया गया जो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग प्रकार के वातावरण में रहते हैं और हम जानते हैं कि जो वातावरण है उसकी स्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं. कहीं पर अत्यधिक गर्मी होती है तो कहीं पर अत्यधिक ठंड होती है. तो इस तरह ये जानवर जो है खुद को उस वातावरण के, उस मौसम के अनुसार, उस पर्यावरण के अनुसार ढालते हैं. तो यही जो इनकी खुद को उस वातावरण के अनुसार ढालने की प्रक्रिया होती है इसे हम एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन कहते हैं. एडॉप्टेशन के बेस पर यानी जो एनिमल जिस स्थान पर रहते हैं उनके हैबिटेट के बेस पर एनिमल्स का जो है 5 कैटेगरी में ग्रुप किया गया है, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो लैंड पर रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, वे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियन यानी वे एनिमल जो लैंड पर रहते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, यानी उनके अंदर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों एनिमल्स की क्वालिटी होती है, वे एम्फीबियंस होते हैं. एर्बोरियल एनिमल, वे एनिमल जो वृक्षों पर रहते हैं जिनका हैबिटेट ट्रीज पर होता है. एरल एनिमल जो अपने लाइफ का ज़्यादातर पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दियर टाइम इसे जो है ये एयर में स्पेंड करते हैं, हवा में स्पेंड करते हैं, इन्हें हम एरल एनिमल्स कहते हैं. इसके बाद हम आपको बताएं एडॉप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी धरती पर पाए जाने वाले जानवरों में कौन कौन सी अनुकूलन की विशेषताएं होती हैं. जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के जो लेग हैं, पैर, वो लंबे होते हैं ताकि ये जो है तेजी से भाग सकें, अपनी शिकार को पकड़ सकें या ये अपनी सुरक्षा कर सकें. टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी जमीन पर रहने वाले जानवर, ये जो है लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं. इनकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो लंग्स के द्वारा कंप्लीट की जाती है. इनके जो सेंस होते हैं, इनकी अनुभूतियाँ, इनकी संवेदना, ये जो है पूर्ण विकसित होती है जिससे ये आसपास के किसी खतरे को पहचान लेते हैं और अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहते हैं और साथ ही साथ ये अपने शिकार में ढूंढने में इनके सेंसेस इनकी हेल्प करती हैं. इस वीडियो में आपके लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.